इस वक्त पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ उन देशों का गुट है जो जनसंख्या बढ़ने से परेशान है, और दूसरा गुट उन देशों का है जो घटती जनसंख्या से परेशान है, यानी ऐसे देश जहां जन्म दर लगातार घट रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोट के बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि आज के समय की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, जिसको कंट्रोल करने के लिए कई देश बड़े कदम उठा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी घटती जनसंख्या के बारे में सुना है? दुनिया में आज कई देशों की जनसंख्या घट रही है, और घटती हुई जनसंख्या की वजह से ही ये देश टेंशन में। घटती जनदर की वजह से इन देशों में जनसंख्या असंतुलन का संकट पैदा हो गया है। भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया जैसे देश घटती हुई जनसंख्या से परेशान है। चीन जैसे देश में लोग महंगाई और नौकरी से जुड़ी चिंताओं के कारण फैमिली प्लानिंग करने से दूर भाग रहे हैं, यानी बच्चों का खर्च उठाने में नाकाम हो रहे हैं। किसी भी देश की आबादी अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाना मुश्किल हो जाएगा। मौजूदा संसाधनों पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जिन देशों में जनदर घट रही है वहां भी संकट बहुत विकराल है। इन देशों में बूढ़े लोगों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बच्चों की जनदर उससे भी तेजी से घट रही है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी होता है। जीवन संतुलन से ही सधता है। जरा सा असंतुलन सब कुछ बिगाड़ देता है। लेकिन आजकल जनसंख्या असंतुलन कई देशों की परेशानी का कारण बना हुआ है। हाल ही में जापान और सिंगापुर की सरकारों ने बताया है कि देश में कितनी तेजी से जनदर गिर रही है। पहले बात सिंगापुर की करते हैं। सिंगापुर अपनी घटती जनसंख्या से परेशान है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय की मंत्री इंद्राणी राजा ने सिंगापुर की पार्लियामेंट में जानकारी देते हुए कहा कि सिंगापुर की कुल प्रजनन दर 1% से भी कम होकर 0.97% हो गई है। ये प्रजनन दर सिंगापुर के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर है। सिंगापुर में जन दर भी औसत 2.1% से कम हो गई है। सिंगापुर में वर्ष 2021 में प्रजनन दर 1.12% थी, जो कि 2022 में कम होकर 1.04% हो गई है। अब 2023 में यह आंकड़ा और गिरकर 0.97% हो गया है। सिंगापुर अब उन देशों में शामिल हो गया है जिनमें जनसंख्या खतरनाक स्तर पर कम हो रही है। अभी दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम, यानी 0.72% है। कुल प्रजनन दर बच्चों की वो औसत संख्या है जो एक महिला अपने प्रजनन काल के दौरान पैदा करती है। सिंगापुर इन दिनों दोहरे संकट से जूझ रहा है। एक तरफ सिंगापुर में जन दर और प्रजनन दर तेजी से नीचे गिरी है, तो दूसरी तरफ देश की आबादी बूढ़ी हो रही है। ऐसा ही रहा तो आने वाले कुछ सालों में सिंगापुर में काम करने वाले लोगों की कमी हो जाएगी, जिसका सीधा असर सिंगापुर की अर्थव्यवस्था पर होगा। आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि सिंगापुर को इस संकट ने अचानक कैसे घेर लिया और इसके कारण क्या है। दरअसल सिंगापुर में जनसंख्या कम होने की कई वजह है। पहला कारण, कोरोना के समय सिंगापुर में तलाक की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी, यानी बड़ी संख्या में तलाक हुए। दूसरा कारण, बच्चों के पालन पोषण में होने वाले खर्च में बढ़ोतरी, यानी बच्चों को पालने पढ़ाने का खर्च बढ़ा। तीसरा कारण, बच्चों की परवरिश का दबाव और काम और परिवार के बीच असंतुलन। चौथा कारण, वर्ष 2023 में देश में 26,500 शादियां हुई और 30,500 बच्चे पैदा हुए, यानी शादियों की संख्या भी और वर्षों के मुकाबले कम हुई। शादियां नहीं हुई तो बच्चे भी कम पैदा हुए। जनसंख्या असंतुलन को संभालने के लिए सिंगापुर सरकार कई कदम उठा रही है। सिंगापुर में बेबी बोनस के तौर पर माता पिता को 10,000 सिंगापुर डॉलर यानी करीब 6 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां प्रजनन दर और जन दर गिर रही है, यानी फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट दोनों गिर रही है, जो सिंगापुर की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। जन दर का तेजी से गिरना, बूढ़े लोगों की संख्या तेजी से बढ़ना, यह सिर्फ सिंगापुर की समस्या नहीं है, जापान का भी सेम टू सेम यही हाल है। जापान में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, जिससे एक देश एक समाज के तौर पर संतुलन बनाए रखने में यह देश नाकाम हो रहा है।
जापान सरकार ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में जापान सरकार ने वर्ष 2023 की बर्थ रेट के बारे में बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान में बच्चों के जन्म लेने की संख्या में 5.1% की गिरावट आई है, जो पिछले 8 वर्ष में सबसे कम है। पिछले वर्ष यानी 2023 में जापान में सिर्फ 7,58,631 बच्चे ही पैदा हुए थे। वर्ष 2022 में इस देश में 7,99,728 बच्चों का जन्म हुआ था। वर्ष 2021 में 8,11,604 बच्चों का जन्म हुआ था। वर्ष 2020 में जापान में 8,40,832 बच्चों का जन्म हुआ था। यानी हर वर्ष जापान में जन्म दर कम होती गई है। जापान की आबादी करीब 12,50,00,000 है। अगर वर्ष 2023 में पैदा हुए बच्चों की संख्या का गुणा गणित समझें तो जन्म दर का यह आंकड़ा सिर्फ 0.6% नजर आता है। इस देश में जनसंख्या संतुलन के साथ साथ शादियों की संख्या में भी रिकॉर्ड गिरावट आई है। जापान में वर्ष 2023 में शादियों की संख्या 5.9% घटी है। वर्ष 2023 में जापान में 4,89,281 शादियां हुई। पिछले 90 वर्षों में पहली बार शादियों की संख्या 5,00,000 से नीचे आई। शादियां कम हुई तो बच्चे भी कम पैदा हुए। नतीजा, बच्चों की जन्म दर में भारी कमी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी रिसर्च के अनुमान के मुताबिक अभी जापान की जनसंख्या करीब 12,28,00,000 है, लेकिन वर्ष 2065 तक जापान की आबादी घटकर 8,80,00,000 होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी वर्तमान जनसंख्या के मुकाबले कुल जनसंख्या में करीब 30% तक की कमी। इसमें से प्रत्येक 10 में से 4 की उम्र 65 साल या उससे ज्यादा होगी। जापान ने खूब तरक्की की है। यहां तेजी से शहरीकरण हुआ है, लोगों के जीने का तरीका बदला है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं और इसी वजह से जापान का बर्थ रेट कम होता गया। यह सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जापान की असली सच्चाई यही है। इसीलिए अब जापान की सरकार भी इसे देश के सामने सबसे बड़ा संकट मान रही है। दुनिया में कई देश बढ़ती आबादी की वजह से चिंतित हैं। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए कई प्रयास हैं, लेकिन जापान में स्थिति बिल्कुल अलग है। बूढ़े होते जापान में सरकार बच्चे पैदा करने के लिए युवाओं को इनाम तक दे रही है। जापान की फूमियो किशिदा सरकार नागरिकों को देश की राजधानी टोक्यो को छोड़ने के लिए कह रही है। टोक्यो में आबादी क्षमता से ज्यादा है, इसीलिए सरकार यहां के नागरिकों को 1,000,000 येन यानी करीब 6,25,00,000 रुपए दे रही है, ताकि यहां के लोग टोक्यो से बाहर निकलकर बसें और दूसरे शहरों में जनसंख्या का संतुलन बना रहे। जापान के चीफ कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने इसे गंभीर स्थिति बताया है। जापान सरकार बच्चे पैदा करने पर पेरेंट्स को 3,00,000 रुपए देती है। इसके अलावा घर बसाने के लिए तैयार युवाओं को 6,00,000 येन यानी करीब 4,25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है, ताकि लोग शादी कर बच्चे पैदा करें। लेकिन इसके बावजूद जापान की जन्म दर हर वर्ष घट रही है। आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि जब फूमियो किशिदा सरकार लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए 3,00,000 रुपए तक की राशि दे रही है, तो फिर क्यों जापान के लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे। अब इसकी वजह आपको बताते हैं। जापान में 20 से 40 आयु वर्ग के लोग महंगाई और नौकरी से जुड़ी चिंताओं के कारण फैमिली प्लानिंग करने से दूर भाग रहे हैं। बच्चों को अच्छे स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का दबाव रहता है, पढ़ाई पर खर्च होता है, इसीलिए भी इस देश के लोग बच्चे पैदा करने से बच रहे हैं। बड़े शहरों में छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं, इसलिए भी महिलाएं परिवार नहीं बढ़ाना चाहती। पढ़ा लिखा युवा आज के समय में अकेले रहना पसंद करता है, जिसका खामियाजा जापान उठा रहा है। जापान में पिछले कई वर्षों में लिव इन रिलेशनशिप का चलन भी तेजी से बढ़ा है। लिव इन में रहने वाले युवा अपनी जिंदगी तो मजे से जी रहे हैं, लेकिन वो माँ बाप नहीं बनना चाहते। यहां लोग बच्चों को झंझट मानने लगे हैं। जापान की युवा लड़कियां शादी करने और बच्चे पैदा करने से दूरी बना रही। जापान में वर्ष 2020 में 25 से 29 आयु वर्ग की 66% लड़कियों ने शादी नहीं की, जबकि 30 से 34 आयु वर्ग की 39% लड़कियों ने शादी से दूरी बना ली। जापान के लिए यह आंकड़ा चौंकाने वाला नहीं बल्कि डराने वाला है। जापान जैसे विकसित देश में लोग बच्चे पैदा करने को बोझ समझने लगे।
जिसका असर जापान में पिछले कई वर्षों से दिख रहा है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां आबादी तेजी से घट रही है। इसमें जापान के साथ साथ अमेरिका, सिंगापुर, साउथ कोरिया और चीन जैसे देश भी हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चीन में बच्चा पैदा करने की दर यानी महिलाओं का फर्टिलिटी रेट घटकर 1.2 रह गया है। अमेरिका का भी यही हाल है। अमेरिका में महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 1.7 है, जबकि सिंगापुर में यह दर 0.97 और हांगकांग में महिलाओं का बच्चा पैदा करने का दर सिर्फ 0.8 है। स्पेन में यह दर 1.2 और इटली में यह दर 1.3 रह गई है, यानी यहां की एक महिला औसत एक बच्चा पैदा करती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में भी प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 रह गई है और पहली बार यह दर 2.1 यानी रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे जा चुकी है। रिप्लेसमेंट लेवल वो दर होती है जो किसी देश की घटने वाली आबादी को नई आबादी से रिप्लेस करती है, और अगर किसी देश की प्रजनन दर इसके नीचे चली जाए तो फिर उस देश की आबादी की ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है और धीरे धीरे आबादी घटने लगती है। जापान समेत दुनिया के कई देशों के साथ अब ऐसा ही हो रहा है, जो एक गंभीर समस्या है। Z News.